आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 42,606 स्वयं सहायता समूहों को CIF एवं RF की धनराशि का 88.66 करोड़ रुपए की धनराशि का ऑनलाइन किया हस्तांतरण। जनपद के 1,236 महिला समूह हुए लाभान्वित। परियोजना निदेशक ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए धनराशि से समूह की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, बढ़ेगा सम्मान। अपने खुद की हत्या का नाटक करने वाले युवक को जगह पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी और घर वालों से परेशान युवक ने रचा था अपने खुद की हत्या करने का नाटक, वायरल किया था फोटो, पुलिस ने भेजा जेल। कोतवाली थाना क्षेत्र के सहमारुफ में गोपालगंज बिहार से खरीदारी करने आए जोगेंद्र कुमार से दो अज्ञात व्यक्तियों ने 70,000 की टप्पेबाजी। SP सिटी ने कहा, CCTV के माध्यम से आरोपियों की जा रही है तलाश, जल्द होगी गिरफ्तारी। मंडलायुक्त रवि कुमार NG की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडलीय उद्योग बंधु की मासिक समीक्षा बैठक। उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण के दिए निर्देश। शादी के दिन ही युवक का निकला जनाजा, बारात जाने के पहले कर ली खुदकुशी। मौके पर पहुंची पुलिस, प्रेम संबंधों को लेकर कर रही है पड़ताल। SP City ने कहा, जल्द होगा खुलासा। मामला गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रसूलपुर का। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। खंड विकास अधिकारी को प्रतिदिन दो दो गांव का भ्रमण करने के दिए निर्देश। कहा, शासन के विकास योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए अधिकारी, पात्र व्यक्ति योजना से ना रहे वंचित। नवीन महवा मंडी का प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण। मंडी में लगे गंदगी को देख जताई कड़ी नाराजगी। गंदगी को दूर करने के लिए मंडी परिषद के अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले दो नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,362। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 17 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। CBSE बोर्ड 12वीं का परिणाम हुआ घोषित। बड़ी संख्या में सफल हुए विद्यार्थी। छात्रों ने डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट बनकर देश सेवा करने की कही बात। नागरिक सुरक्षा कोर का 5 दिवसीय बाढ़ से बचाव और राहत का कार्यशाला हुआ संपन्न। उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डनों को प्रशस्ति पत्र से किया गया सम्मानित। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 82 केंद्रों पर 21,420 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 18,166 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 3,254 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगाए गए आंशिक नाइट कर्फ्यू का शुक्रवार को भी दिखा असर। SP City ने कहा, कोरोना नाइट कर्फ्यू का करें पालन, रहें सुरक्षित। और अचानक हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक छाए रहेंगे बादल, छिटपुट है बारिश के आसार।